मैंने जब काम शुरू किया था राजस्थान में लगभग 6 साल पहले, तभी से हम लोगों ने जो जनता की भावनाएं हैं, जो जनता के इश्यूज हैं, पब्लिक से एक जीवंत संपर्क कायम करने का काम हमने किया था। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो विश्वास और वो रिश्ता गहरा होता गया, बढ़ता गया। और इसीलिए आज जब हम लोगों को राज चलाने की जिम्मेदारी दी है तो लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उन सभी आशाओं को, उम्मीदों को हम पूरा करेंगे। और मुझसे जो भी जनता उम्मीद रखती है व्यक्तिगत रूप से और संगठन का अध्यक्ष होने के नाते, उन सभी उम्मीदों को पूरा करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जनता का आशीर्वाद लिया था लगभग 8-9 महीने पहले सेवा करने की भावना से, और जनता ने हम लोगों को चुना कि हम बेहतर सेवा दे सकेंगे, और उन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो शहर, गांव, ढाणियों में राजस्थान की जनता, 7 करोड़ लोग रहते हैं, उन लोगों ने एक अटूट विश्वास हम लोगों पर दिखाया है। इसलिए प्रदेश की सरकार हो या प्रदेश का संगठन हो, हम दोनों मिलकर जनता की हर अभिलाषा को पूरा करेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। जनता ने सरकार CLP लीडर्स की और प्रदेश प्रभारियों की, क्योंकि लगातार विधानसभा के चुनाव 3 अभी हैं, झारखंड के, हरियाणा के, महाराष्ट्र के, उसके बाद दिल्ली के हैं, लगातार चुनाव आएंगे। लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप राजस्थान के अंदर एक निरंतर चलती प्रक्रिया है। जब विशेष अभियान चलाया जाता है तो उसमें और फोकस किया जाता है, लेकिन हमारी मेंबरशिप स्थायी रूप से लगातार चलती रहती है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि राजस्थान में जब हमने पिछली बार गिनती करी थी तो हमारा जो मेंबरशिप का आंकड़ा था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था बनस्पत पिछले टर्म के मुकाबले में। तो हम लोगों ने राजीव जी के जन्मदिवस पर आज से कुछ वर्ष पहले शुरुआत करी थी, एक विशेष अभियान चालू किया था संगठन चुनाव से पहले, और इस 12 तारीख को मीटिंग दिल्ली में करेंगे। एक बार पुनः दोबारा फोकस कर मेंबरशिप ड्राइव को बढ़ाना चाहते हैं। और बाकी पार्टियों में तो मेंबर आप मिस्ड कॉल देके बन जाते हो, लेकिन हमारे यहाँ मेंबरशिप के लिए पर्चा भरा जाता है, उसका नाम, अता, पता, डिटेल, मोबाइल नंबर लेके, ताकि वो एक कांग्रेस का कार्यकर्ता टेक्नोलॉजी के माध्यम से और डेटा के माध्यम से जयपुर और दिल्ली से निरंतर एक संपर्क में रहे। मुझे लगता है कि इसका कौन व्यक्ति किस पद पर काम करेगा, इसका निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष करते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बनाई गई हैं और वो जो निर्णय लेंगी वो सबको स्वीकार्य होगा। लेकिन मुझे लगता है कि बजाय इस पर सभी कोई नेता या पदाधिकारी इस पर फोकस करने के बजाय हमें फोकस करना पड़ेगा कि कैसे आने वाले नगर निकाय चुनाव में हम जीत सकते हैं, कैसे जनता की जो मांगे हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं, और अपने अपने क्षेत्र पर ध्यान दें किसको किस वक्त क्या जिम्मेदारी देनी है। मैं समझता हूँ दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष का कार्य क्षेत्र है, और इसमें जैसा भी निर्णय दिल्ली से लिया जाएगा श्रीमती सोनिया गांधी जी के माध्यम से, वो सबको स्वीकार्य होगा। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ कि जब से मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, लगभग 5.5 साल हो गए हैं, उस वक्त जब राजस्थान में कांग्रेस की मात्र 21 सीटें थीं, जब केंद्र में नई सरकार बनी थी और भाजपा की लगभग 165 सीटें आई थीं, उस चुनौतीपूर्ण समय में प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता ने मेहनत से, शिद्दत से और पूरी ताकत के साथ हमारा साथ दिया। सब नेताओं को साथ लेकर हम चले और लगातार हर चुनौती का हमने सामना करते हुए विजयश्री हासिल करी है। विधानसभा का शायद धौलपुर के अलावा ऐसा कोई चुनाव नहीं था, विधानसभा उपचुनाव, जो कांग्रेस पार्टी ने जीता नहीं हो। तो ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत का परिणाम है कि लगातार कांग्रेस मजबूत होती गई राजस्थान के अंदर, और आज हम लोग एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार लेकर राजस्थान में बैठे हैं। तो कार्यकर्ताओं, नेताओं का सहयोग है जो हम सबको इसने 5.5 साल के कार्यकाल में कामयाबियाँ मिली हैं। अब आने वाली चुनौतियों का सामना करेंगे, मिलकर करेंगे, और जनता लगातार परखती रहती कि सरकार कैसा काम कर रही है। मुझे लगता है सरकार अच्छा काम कर रही है, और जब चुनाव आएंगे सरकार का कामकाज देखकर जनता वोट डालेगी।